नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो होता है उसका जो फर्स्ट पेपर है वो किस प्रकार से जो है क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ कि किस पैटर्न के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पूरा पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसमें जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी का पहला पेपर होता है और जिसमें जो है 2 घंटे का समय दिया जाता है दोस्तों, और इसमें मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स का पेपर होता है। आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस प्रकार से आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं, पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पूरे सीरीज़ वाले 10 10 तक जो है पूरे सीरीज़ वाले क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिसमें से आपको कहीं ना कहीं सीरीज़ के द्वारा इसको सॉल्व करना है। आगे आप देख सकते हैं, आगे जो है कूट भाषा वाले क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जिसमें 11, 12, 13 कूट वाले कूट जो भाषा वाले जो हैं वो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। आगे आप देख सकते हैं, 14वां जो क्वेश्चन है वो अल्फाबेटिक जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों। फिर इसी प्रकार से 15वां क्वेश्चन भी हो गया। फिर यहाँ पर 16 से लेके 20 तक के जो है यहाँ पर भिन्न शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन से भिन्न है, तो 16, 17, 18, 19, 20 जो है सेम है। फिर यहाँ पर एक दूसरे को जो अलग अलग शब्द जो से जो है पुकारा जाता है, तो वो पूछा गया कि इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो 21, 22 सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर जो है संबंध सूचक शब्द से रिलेटेड है यहाँ पर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 संबंध सूचक हैं यहाँ पर, तो 31 भी सेम है, 32, 33 जैसे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस फेफड़े से संबंधित, मोतियाबिंद आँख से संबंधित होगा इस प्रकार से, 34 भी 35 भी, तो यहाँ पर 35 तक जो है लगभग सेम यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर 36 से लेकर 39 तक जो है सेम पैटर्न के क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, उसमें संबंध बताना, जैसे बस कार वाहन, तो इसमें वाहन जो है इसमें बी वाला ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें बस और कार वाहन के अंतर्गत आते हैं इस प्रकार से। आगे जो है 41वां क्वेश्चन दिशा से संबंधित है, और यहाँ पर रिश्ते से संबंधित क्वेश्चन 42वां, 43वां जो है। फिर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर चिन्हों को बदल दिए गए हैं और फिर उसको सॉल्व करना है, 45 वाला भी वैसे ही है। यहाँ पर दिन महीने वाले क्वेश्चन है 46वां, और यहाँ पर जो है 47वां क्वेश्चन हम देखें तो क्रम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर शब्दों को पूछा गया है कि 2 बार कौन से वर्ण लिखे गए हैं। फिर 49 में हम देखते हैं, यहाँ पर एक्चुअली दाएं बाएं वाले क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर 50 जो है अल्फाबेटिकल क्रम दिए गए हैं और सीक्वेंस एक्चुअली, और इसी प्रकार से 51 भी सेम है। 52 क्वेश्चन हम देखें, और इस प्रकार से हम जो है रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर संख्या से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं 52, फिर 53 और फिर 54, और यहाँ पर जो है 56 में जो है यहाँ पर चाल निकालना है, दूरी और समय से रिलेटेड, यहाँ पर वर्क और
समय और वर्क वाले हैं 57, और यहाँ पर दिशा से रिलेटेड है 58 क्वेश्चन। फिर ये कोड वाले आ गए 59 से 62, जो है कोड वाले, कोड भाषा वाले शब्द आ गए हैं। फिर संख्यात्मक मान, इसमें विलुप्त संख्या बताना हमको, तो जो 63 64 जो सेम है। और फिर यहाँ पर सीक्वेंस बताना है, तो पूरा क्रम इसमें बताना है। फिर इसी प्रकार से कूट भाषा वाले आगे 66 और 67 में ए का आस है, प्लस है, बी का आस है, माइनस, इस टाइप से क्वेश्चन है। इसको दोस्तों मैं सॉल्व पेपर भी इसका बनाऊंगा, तो इसको जो है आप अभी तो एक मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ आपको, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मैं सॉल्व भी आपको करके बताऊँगा। 69 भी जो है मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ आयु से संबंधित आ गए हैं 70 में। और फिर यहाँ शब्दकोश से उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है इसको जमाना है, यहाँ पर 71 क्वेश्चन, 72 भी सेम है, और यहाँ पर 73 अंक क्रम में लिखे जाएं तो कितने अंकों में स्थान अपरिवर्तित होंगे, इस प्रकार से है। यहाँ पर डायग्राम दिया गया 74 से लेके 8 तक जो है, 78 तक इस डायग्राम को देख करके सॉल्व करना है, तो 70 ये हो जाएंगे इसको डायग्राम को देख के सॉल्व करना। फिर 79 का जो है सीक्वेंस वाला है, लाइन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ पर श्रृंखला में क्रमिक संख्याओं में कितने जोड़े दो अंतर, इस प्रकार का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं, भिन्न भिन्न जो है डायग्राम इसमें से बताना है। 81 से लेकर 90 तक जो है डायग्राम वाले क्वेश्चन है, जिसमें हमको बताना है कि कौन से भिन्न हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर 90 के बाद हम देख सकते हैं, 90 के बाद जो है 91 से 95 तक, यहाँ पर बी एवं ई को कंप्यूटर साइंस एवं नाटक में अच्छा ज्ञान है, इस प्रकार से पूरे यहाँ पर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है जब हम जे 1 2 3 4 5 इनको जब बिंदुओं को पढ़ेंगे पूरा, तब जा कर के पाँचों क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं विलुप्त संख्या बताना है 96 में, 96 में, 97 भी सेम है और 98 भी सेम है। 99 वाला जो क्वेश्चन है, 99 से 100 तक जो है, यहाँ पर इसमें जो है आकृति बताना है, कौन सी आकृति इस पर आएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर आता है और 120 मिनट जो है सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार का जो है मानसिक योग्यता रीजनिंग का पेपर पूरा होता है दोस्तों, प्रतिभा खोज परीक्षा जो होती है उसमें, NTSC एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इस बार भी जो है इसी पैटर्न के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना दोस्तों, तो इसको आप तैयार करिए, मैं सॉल्व पेपर भी इसका बना दूंगा दोस्तों, और जिसके माध्यम से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।